इसमें पहुंचने पर आपका तह दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भट्ट साहब आपको विशिष्ट इसलिए आमंत्रित किया गया था कि आपने पता है कि ये लोग फैक्ट्रियों पर आधारित हैं और उधर भंडारा चला हुआ है। अभी शाम को देखना ये खचाखच भरेगा और प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा। और आज मैं आपको दो बात बता देना चाहता हूँ, सिर्फ दो गलियों के लिए मैंने आपको बुलाया था। एक गली जिसमें गली बढ़ा दी गई मगर उस गली की कोई निकासी नहीं है, वो गली टूट चुकी है और मेन रास्ता है जो अर्जुन नगर से कुलदीप नगर को जोड़ता है, वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं कि आप बाइक भी निकाल लें। अरे गली तो पक्की मगर चलने तक का रास्ता नहीं। और एक जगह जननी माता जो चैत्र के महीने में ये कहते हैं कि भाई सभी माता बहने सात माता को पूछती हैं, भारत नगर के अंदर कई बार अवगत करा चुके हैं, हम पार्षद को भी करा चुके हैं और विधायक को भी करा चुके हैं और बार बार एक ही आश्वासन देते हैं, कराएंगे कराएंगे कराएंगे, मगर हमने इस कराएंगे का पता लगा कराएंगे हो क्या है, किसको कहते कराएंगे। अरे भाई आप विधायक हो। और एक बात और माननीय मेयर साहब, इस भारत नगर में से आपका आधा भारत नगर, आधा अर्जुन नगर और आधा गोपाल कॉलोनी में से कुछ परसेंटेज वोट आपके वार्ड में हमारी लगती थी, जिन्होंने 100% वोट आपको दिया और हमारे वार्ड ने आपको 2500 से लीड दी। ये आपका दायित्व बनता है, आप सीनियर मेयर हो, इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए, मगर यहाँ आश्वासन नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। आता खेड़ा भी नगरी पर आए हो, आप प्रधान हो, आप मेयर साहब हो, आज भंडारे में आए हो और आज आपने ये विश्वास दिला के जाना पड़ेगा कि मैं इसको जल्द से जल्द समाधान कराऊंगा। सिर्फ ये दो ही समस्या है और समस्या मेरी कॉलोनी में नहीं है, और बाकी समस्या तो टीपू धारक की और बहुत ज्यादा समस्या है, वो तो बाद में निपटेंगे हम। आपकी तो सब दो ही समस्या है, आपका भया पहुंचने पर तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता, जय दादा खेड़ा। पवित्र और पुण्य कार्य के लिए इस भंडारे में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने बुलाया, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में आदरणीय राजेश जी, रणधीर सिंह जी, शिषपाल पंडित जी, सूरज भान जोगी जी, इंद्र सिंह कावड़ी जी, मास्टर गौतम जी, प्रेम पंडित जी, अर्जुन राणा जी, ताराचंद जी, जयपाल प्रजापत जी, अंग्रेज कश्यप जी, जय सिंह यादव जी और हमारे पड़ोसी मेरे बड़े अजीज भाई आदरणीय मान साहब। आज हम जहां खड़े हैं ये एक पवित्र जगह है ना जी? हाँ जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आप सब ने जब ये कहा कि जी ये कार्यक्रम है और आपने मुख्य अतिथि के नाते से आना है, तो मैंने कहा जी मुख्य अतिथि तो आप मुझे मत बनाना क्योंकि मैं तो आपका बालक हूँ भाई, सीनियर डिप्टी मेयर होऊंगा, शहर खातर होऊंगा, थारे खातर को ना, थारे खातर तो वही बालक हूँ दुष्यंत, थारा अपना था, अपना हूँ और अपना ही रहूंगा, कोई बड़ा नेता को ना। और राजेश जी ने जहां तक बात कही, जो समस्याएं इन कॉलोनियों के अंदर मुंह बाए खड़ी थी, अगर आप सन 2014 से पहले के इतिहास में चले जाओ, जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो उस समय यहाँ के हालात क्या थे आप ही बताओ जी, बहुत बुरे हालात। क्या हालात थे? हालात बुरे थे ना। तो मनोहर सरकार में सब कुछ मनोहर ही मनोहर होता है, सब कुछ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आम आदमी के आम गरीब व्यक्ति का दुख और दर्द समझते हैं और उस दर्द को वो लेके जीतते हैं। क्योंकि जब मैंने 2013 का यहाँ पे चुनाव लड़ा था तो मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री जी नहीं बने थे, तो वो इन्हीं कॉलोनियों में घूमते थे, उनको पता था कि यहाँ का दर्द क्या है, यहाँ की दुख और तकलीफ क्या है। आज उन्हीं के नेतृत्व में हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो विजन दिया
उन्होंने जो लक्ष्य दिया, जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बनने के बाद चंडीगढ़ गया उनसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा भाऊ जी आपने अचानक से मुझे नया जिम्मेवारी दे दी। उन्होंने कहा कि अब इन कॉलोनियों के लिए ऐसा काम करना कि आने वाले समय के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी को भूल लेना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भूल लेना, रात दिन लग के वो काम करना। हमारे तो पार्षद बोल जाए जी, कोई नहीं बोल रहा। तो आदरणीय मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, जितने भी सारे यहाँ लोग खड़े हैं, दादा खेड़ा के इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर हम एक बात कहते हैं कि आपकी कॉलोनियों के लिए वार्ड नंबर 24, 25 और 26 के अंदर लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से, कितने 60 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर सीवर दबने जा रहे हैं, यहां पर पीने के पाइपलाइन दबने जा रहे हैं, हर गली के अंदर, एक गली भी नहीं छूटेगी, हर गली के अंदर। और जितना भी ये सीवर का सारा गंदा पानी होगा वो हमारे एसटीपी प्लांट लगेगा देवनगर में, यहां आपके पास ही देवनगर में वो एसटीपी प्लांट लगेगा, जो लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की लागत से होगा, उसका एस्टीमेट टेंडर हमने लगा दिया है। और जो आपके सीवर दबने हैं इनका तो काम की मंजूरी भी दे दी है ठेकेदार को, चल भाई कोई देर नहीं है, लेट लतीफी नहीं है, परमात्मा ने चाहा तो महीने के में आपके एरिया में काम चालू हो जाएंगे, और एक गली भी नहीं बचेगी, हर गली में सीवर दबेगा और उस सीवर के साथ साथ पीने के पाइप दबेंगे, ताकि हर गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके जिसने अपने आशियाने बनाए, किसी ने 50 गज का मकान बनाया, किसी ने 100 गज का मकान बनाया, जिसकी जैसे भी होता, क्योंकि अगर कोई हम बहुत ज्यादा अमीर परिवार के होते तो हुड्डा या मॉडल टाउन में रहते, इन कॉलोनियों में आके हम क्यों बसते, इन कॉलोनियों में तो हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का अपना पेट काट काट के पैसे जोड़ जोड़ के जिस तरह से हमने इनमें अपने घर बनाए हैं, तो अब हमने इन कॉलोनियों में इस प्रकार की सुविधाएं देंगे कि मॉडल टाउन और हुड्डाबाद में जो सुविधाएं मिलती हैं वो आप लोगों को मिलेंगी। और हमने तो रेलवे लाइन के साथ साथ पार्क भी बनवाने चालू कर दिए हैं, आपने देखा होगा गोपाल कॉलोनी में बन रहा होगा, बन रहा है ना जी, बन गया ना, सबसे पहला पार्क बना था सैनिक कॉलोनी में, उसके बाद हमने पूरे पानीपत का एक ऐसा प्लान बना दिया कि रेलवे लग, क्योंकि इन कॉलोनियों में जगह तो बच नहीं रही भाई, जब जगह नहीं बचती तो आदमी कहाँ घूम जाए, तो हमने कहा भाई रेलवे की जो जगह पड़ रही है इन्हीं रेलवे की जगह पे ये पार्क बना दो। तो मैं आपको यहां पर ये आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी अपनी सरकार है, गरीबों की सरकार है, और जो भी कुछ ये नौटंकियां चल रही हैं, कुछ नौटंकियां चल रही हैं ना ये, अभी कुछ ड्रामे चल रहे हैं जो केवल सिर्फ क्या कर रहे हैं कि विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। भाई क्या होता है, एक आदमी ने अपनी घरवाली को तलाक देना था, अब घरवाली में कोई कमी तो थी नहीं, पंचायत होगी, जैसे छोरी के उधर से भी आ गई और छोरे के उधर से भी आ गई, नुको भाई क्या दिक्कत है, नुको मैंने तो घरवाली से तलाक लेना है, नुको क्या दिक्कत है, नुको जब आटा गूंथती है तो हिलती है, ठीक है ना। हमने हमारी केंद्र सरकार ने एक योजना बना दी कि अगर किसी आदमी को मथुरा जाना है तो वो वाया पलवल भी जाए, दिल्ली से होके निकल जाए, या एक रास्ता और बना दिया केएमपी का, कुंडली मानेसर पलवल से निकल जाए, भाई दोनों रास्ते हैं, भाई जिस पे धारा जी करे उस पे चले जाओ। लुको जी ना, हम तो दिल्ली से होके निकलेंगे, अरे भाई दिल्ली से होके निकल लो, अरे केएमपी ने बंद करो, अगर भाई जिन्हें जाना उड़े जान दो, अगर ना जी केएमपी ने बंद करो, यू कौन सा तरीका भाई, भाई जिसने जड़े जिसको जो रास्ता सूट करता हो उस रास्ते से पहुंच जाओ, अपना मंजिल पे चले जाओ,
ना हम तो भाई स्टेज आवेंगे, अरे भाई तुम चले जाओ, हम तो सारे आगे हाथ जोड़े हैं, अगर ना इन्हें भी बंद करो रास्ते ने, यह कौन सा तरीका होया जी। हमने दो ऑप्शन, जो पहली व्यवस्था है केंद्र सरकार ने वो खत्म तो नहीं करी ना जी, दूसरी एक व्यवस्था लागू कर दी, अगर किसी का मन करता है तो उससे चला जाए। तो मैं तो आज आपके चरणों में, दादा खेड़ा के चरणों में, और आज के इस युग के अंदर जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, आप हमारे लिए भगवान है, और हम तो आपके चरणों में यही कहते हैं कि क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपको खुशियां देने के लिए रात दिन एक करे हुए है। और यहाँ पर जो समाज है, समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज इस समाज के अंदर खड़े होकर बात कह रहा हूं कि बहुत जल्दी आपके एरिया में काम चालू होने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और बड़ी विचित्र, देखो पहली बार हरियाणा के अंदर ऐसा है कि भाजपा और जजपा दो गठबंधन की सरकार जो बिना भेदभाव के, बिना पर्ची और खर्ची के इतनी नौकरियां लग रही हैं और कितनी ईमानदारी से चल रही है, और ये विकास के रास्ते पर ऐसी दौड़ेगी, ऐसे दौड़ेगी, आने वाले समय के अंदर वो सारे लोग कहेंगे जी हम भी केम पीते चल लेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। भजन जी बहुत अच्छे गा रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी है, समय की इस तरह की व्यवस्था है कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरी पार्टी की मीटिंग है। आप सबने मुझे बुलाया, आप सबने मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कोई बात ना, गांव में भी चल लेंगे, गांव में भी चल लेंगे, गांव वाले भी समझ लेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपना नाम था। खेड़ा का भंडारा था और विशाल रागड़ी कंपटीशन का, जो आज हमारा मुख्य अतिथि, हमारा बहुत ही बड़ा भाई अजीज देवेंद्र सिंह काद्यान जी ने शिरकत करनी थी, मगर उनके फादर की ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। और मैं अपने वार्ड के वासियों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि उसकी कमी महसूस ना करें कि वो नहीं आ पाए और हमारी तक हमारी आवाज़ को नहीं सुना, क्योंकि उसके 24 घंटे उसके दरवाजे खुले हैं जनता के लिए। जो भी आदमी जाता है उसके दुख का वो निवारण करते हैं। अभी एक दो दिन, तीन दिन में आ जाएंगे, और जो समस्याएं हैं जो आज मैंने वार्ड की रखी है यहाँ पर, उन समस्याओं का जल्द से जल्द हम अपने नेताजी से मिलकर उनका जल्द से जल्द इन दुखों का निवारण करने की कोशिश करें।